क्या जम्मू कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 लागू होने वाला है? ये वीडियो देखिए। ये वीडियो जम्मू कश्मीर के असेंबली का है, जहां बीजेपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के विधायक अपना हुनर दिखा रहे हैं। एक्चुअली उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने एक रिजोल्यूशन पास किया है आर्टिकल 370 रिस्टोर करने को लेके। तो क्या फिर से देश के दो कानून होंगे? एंड क्या अब फिर से जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होगा एंड अलग संविधान होगा? क्या फिर से दूसरे स्टेट के लोग यहाँ जमीन नहीं खरीद पाएंगे और ना ही सरकारी नौकरी वगैरह कर पाएंगे? क्या है पूरा माजरा, जानेंगे इस वीडियो में। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं। बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं। देखिए पूरा माजरा क्या है, ये समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये 370 है क्या और क्यों जम्मू कश्मीर हमेशा एक हॉट टॉपिक बना रहता है। हम ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक ब्रीफ जरूरी है। देखिए संविधान का आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये खत्म हो चुका है। और ये स्पेशल स्टेटस इतना स्पेशल है कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं, जिसमें से सिर्फ 2 आर्टिकल जम्मू कश्मीर पे लागू होते थे। आर्टिकल 1 जो कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया के अंदर कौन कौन से राज्य या फिर यूटीज आते हैं उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एंड दूसरा आर्टिकल 370। अब देखिए आर्टिकल 370 को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 370 का पहला क्लॉज यानी 371, उसका सब क्लॉज यानी कि 371A, ये बोलता है कि आर्टिकल 238 के प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। 371B में बताया गया है कि संसद की कितनी पावर है जम्मू कश्मीर को लेके, यानी कोई लॉ बनाना है या फिर कोई प्रोविजंस लाना है तो आप उन्हीं सब्जेक्ट के अंदर बना सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में दिया गया है, जिसे हरी सिंह ने साइन किया था उस समय। ऐसे सब्जेक्ट जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में इंक्लूडेड नहीं है, आपको अगर उसके विषय में कानून बनाना है, आपको वहाँ की सरकार यानी कि जम्मू कश्मीर के सरकार के साथ परामर्श लेना होगा, आपको उनकी सहमति लेनी होगी यानी कंसल्टेशन करना होगा। 371C कहता है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ वही लागू होंगे। 371D भी यही कहता है कि कोई सब्जेक्ट जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में इंक्लूडेड नहीं है उसके विषय में आपको अगर कानून बनाना है तो आपको वहाँ के राज्य सरकार से परामर्श लेना होगा, बैठक वगैरह करनी पड़ेगी। अब आर्टिकल 370 क्लॉज 2 कहता है कि केंद्र सरकार ही नहीं, अगर जम्मू कश्मीर की सरकार भी चाहती है कुछ प्रोविजन लाना या फिर लॉ बनाना तो उसे असेंबली में डिस्कस करना होगा, यानी कि सबकी सहमति चाहिए और रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। अब दोस्तों कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका उपाय भी होता है। आर्टिकल 373 ये बताता है कि क्या हम 370 को हटा सकते हैं और अगर हटा सकते हैं तो कैसे हटा सकते हैं, और इसी का यूज बीजेपी करती है 2014 में सरकार आते ही, और बड़ा फिल्मी तरीका मतलब फिल्मी वे में इसे किया गया है। पहले तो 2014 में बीजेपी वहां पे सरकार बनाती है जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर, फिर 2018 में सरकार गिराती है एंड वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। फिर अमित शाह 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट लाते हैं जो होता है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर 2019। फिर ये 6 तारीख को लोकसभा में पास होता है एंड फिर राष्ट्रपति के द्वारा 370 को हटा दिया जाता है। अब ये बिल्कुल एक पिक्चर की तरह है, पहले वहां पे सरकार बनाई, फिर सरकार गिराया, राष्ट्रपति शासन लगाई, मतलब बड़ा फनी है, इसमें पिक्चर भी बनी है। वैसे जम्मू कश्मीर जो पहले इतना बड़ा था उसे 2019 में 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। ये वाला पार्ट जम्मू कश्मीर है एंड ये जो पूरा एरिया है ये लद्दाख है, और दोनों को ही यूटी बना देते हैं। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि इस पूरे भाग में जो इतना ये जो एरिया है इसे आज भी पाकिस्तान इलीगली कंट्रोल करता है, जिसे हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। खैर अब सवाल ये है कि जब ये आर्टिकल 370 हट चुका है तो उमर अब्दुल्ला क्यों इसे रिस्टोर करने का रेजोल्यूशन पास कर रहा है? अच्छा अगर आर्टिकल 370 वापस आ जाता है तो क्या होगा, और क्या ये सिर्फ पास कर देने से लागू हो जाएगा? जी नहीं। देखिए जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शन हुआ है, क्योंकि जम्मू एक यूटी तो है लेकिन यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है यानी विधानसभा, वहीं लद्दाख में ये नहीं है, इसीलिए वहाँ के लोग आज प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। खैर 2018 से ही जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लागू था, क्योंकि सितंबर में वहाँ इलेक्शन हुए हैं तो 13 अक्टूबर 2024 को प्रेसिडेंट रूल हटा दिया गया और इलेक्शन में जीत मिली है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को, और ये कांग्रेस के साथ अलायंस में, और अभी वहाँ जो सीएम है वो है उमर अब्दुल्ला। देखिए ये शुरुआत से ही आर्टिकल 370 रीइम्पोज करने के सपोर्ट में है, और इनके कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे इनका एजेंडा है 370 को रीइम्पोज करना, और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी इसे डाल रखा था। और सरकार बनते ही इनकी पार्टी ने सबसे पहला रेजोल्यूशन लाया 370 के ऊपर, और फिर क्या असेंबली में मारपीट शुरू हो गई, बीजेपी के विधायकों ने रेजोल्यूशन फाड़ दिया एंड काफी केओस देखने को मिला। जिस कश्मीर को हमने खून से सींचा है वो कश्मीर हमारा है, कश्मीर की आवाज क्या है 370 और क्या, ये स्टेटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का है। भाई कश्मीर तो सबकी है, पूरे भारत की है, और मुझे लगता है ना कि ये लोग सिर्फ लाइमलाइट पाने के लिए सब करते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को पता है जब तक बीजेपी सेंटर में है
और उन्होंने ऐसा कहा भी है कि जब तक बीजेपी सेंटर में है तब तक 370 को लाना तो क्या मतलब इसके बारे में बात करना भी मतलब टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि सिर्फ पास कर देने से या फिर कुछ लोगों के साइन कर देने से ये वापस नहीं आ जाएगा, ये सेंटर का मामला है। इसके लिए वापस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने होंगे जो बीजेपी करेगी नहीं, और अगर कोई दूसरी सरकार भी आती है तो उसके लिए भी इतना आसान होगा नहीं। फिर क्यों नेशनल पार्टी ये रिजोल्यूशन वगैरह ला रही है? क्या इनके विधायक को इतना पता नहीं है कि ये कानून वगैरह सिर्फ पार्लियामेंट ला सकती है? तो जी नहीं, इन्हें सब पता होता है, ये बस एक पॉलिटिकल ड्रामा होता है। इन्हें सेंटर को ये बताना होता है, ये मैसेज देना होता है भाई कि हम ये चाहते हैं। देखिए हमारे संविधान के स्केड्यूल 7 में ये डिटेल में दिया गया है कि किस विषय के ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है, किस विषय पर संसद यानी कि सेंटर कानून बना सकती है, यानी किस विषय पर दोनों यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कानून बना सकती है, जिसे हम लोग कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची कहते हैं। और ये 370 का मामला यूनियन का मामला है, यानी राज्य के पास ये पावर नहीं है कि वो 370 इम्पोज कर दे। फिर भी अगर वो ऐसा रेजोल्यूशन पास करती है तो ये सेंटर को एक मैसेज देना समझा जाता है कि देखिए हम लोग ये चाहते हैं, ये भाई साहब जो अपने हाथ में वी डिमांड रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A का बैनर लिए घूम रहे हैं, कैमरा में दिखा रहे हैं, ये हैं इंजीनियर राशिद के भाई। जी हाँ, वही इंजीनियर राशिद जो लोकसभा के मेंबर चुने गए हैं बट अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। क्यों? टेरर फंडिंग केस में कई सीरियस एलिगेशन जैसे सेपरेटिज्म ऑफ जम्मू कश्मीर एंड वेरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका संबंध पाया गया है। डेमोक्रेसी है। अब देखिए ये उस बिल का कॉपी है जिसे पास किया गया है, वैसे इसमें कहीं भी आर्टिकल 370 का मेंशन नहीं किया गया है। हाँ, रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, रेस्टोरेशन वर्ड का यूज किया गया है। खैर, अगर जम्मू कश्मीर में 370 एंड 35 पे अगर रिस्टोर हो जाता है, फिर से आ जाता है, तो क्या होगा? जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप लागू हो जाएगी, यहाँ का अपना अलग झंडा होगा एंड अपना अलग संविधान होगा। जहाँ हर स्टेट का विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, वहीं जम्मू कश्मीर का 6 साल का होगा। दूसरे स्टेट के लोग ना ही जमीन खरीद पाएंगे और ना ही सरकारी नौकरी कर पाएंगे। यहाँ IPC या BNS की धारा नहीं चलेगी, यहाँ चलेगा रणवीर पिनल कोड, और ना ही यहाँ राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लागू होगा। जम्मू कश्मीर की कोई महिला अगर किसी पाकिस्तानी से शादी करती है तो उस पाकिस्तानी लड़के को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है। वहीं वो कश्मीरी लेडी अगर भारत में ही किसी अन्य राज्य के लड़के से शादी करती है तो उस लड़की की जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाएगी। खैर, 370 तो फुल्ली स्क्रैप हो चुका है और मुझे नहीं लगता ये कभी वापस आएगा।